हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी गर्ल बबीता राज। मैं बबीता। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड सोप। और ये जो सोप है ना, आपकी स्किन को वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और आपकी स्किन पर एक अलग सी चमक लाएगा, बेदाग खूबसूरत बनाएगा। बहुत ईजी आप इसे बना सकते हो। अगर आपको कोई भी केमिकल वाला सोप सूट नहीं करता है तो आप इस सोप को यूज कीजिए। आपकी स्किन को ये बिल्कुल ब्राइट और एक तरह से शाइनिंग बनाएगा, ठीक है। और ये हर टाइप के स्किन के लोग लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये आज मैं ये वीडियो बाहर शूट कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि बाहर ही शुरू किया जाए। कोई भी मेकअप भी नहीं किया है और दो पिंपल्स भी निकल आए हैं, ये देखो दो दाने। तो चलिए फटाफट देख लीजिए इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है। और वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं होममेड सोप। और इसके लिए आपको चाहिए सोप वेस, ये है, ये देखिए मैंने लिया है। और ये आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, मार्केट में भी आप बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये लगभग 250 ग्राम, हाँ 250 ग्राम होगा। मतलब आपको जितना बड़ा सोप बनाना है आपको उतना बड़ा ले लेना है। और ये 250 ग्राम नहीं तो 200 ग्राम तो है ही। इसे छोटे छोटे पीस हम कट कर लेते हैं। अगर आपके पास सोप वेस नहीं है तो आप ले सकते हो जैसे बेबी जॉनसन का डब, जो फेस पे आप यूज किए हो और आपको सूट करता हो, या पीएस सोप आप ले सकते हो। वैसे ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है। और ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, कोमल, मुलायम भी बनाता है। अगर आपको कोई भी सोप या फेस वाश सूट नहीं करता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद इसमें आपको क्या क्या मिक्स करना है जो आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, ब्राइट भी करेगा, वाइट भी करेगा, बेदाग भी बनाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ लूँगी चावल का आटा। ये लगभग 2 बड़े स्पून में लूँगी चावल का आटा। ये देखिए ये आपकी स्किन को टाइट करता है, वाइट करता है, बेदाग बनाता है, खूबसूरत बनाता है। इसके पहले भी मैंने आप लोग को राइस फेस वाश बताया था जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, मतलब शेयर किया है, बहुत ज़्यादा पसंद किया और काफ़ी लोग को काफ़ी फ़ायदे भी मिले हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ जो मिक्स करूँगी ये है ऑरेंज पाउडर। और ये देखिए मैंने घर पे ही बना के रखा था और एक पॉलिथीन में आपने देखा होगा वो रोज़ पेटल पाउडर है, तो मैं घर पे ही ऐसे हर चीज़ बना के रख लेती हूँ। वैसे आप मार्केट का भी ले सकते हो। तो ये 1 स्पून मैंने लिया है, 1 बड़ा स्पून। अगर आपके पास नहीं है 1 स्पून चावल का आटा ले लीजिएगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। आपको मार्केट का एलोवेरा जेल लेना है, 1 बड़ा स्पून लेना है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट, कोमल, वेवी बनाएगा। इन सबों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं जो लूँगी वो आप देखो यहाँ हनी लूँगी। हनी हमारी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस सोप में जब मैं हनी मिक्स करूँगी तो वो आपकी स्किन को बिल्कुल ब्राइट कर देगा। मैंने हनी 1 स्पून लिया है। और इसके बाद आपको क्या लेना, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको कोई भी ऑयल ले सकते हो, जो भी ऑयल आपकी स्किन को सूट करता है। ग्लिसरीन भी आप ले सकते हो 1 स्पून, ठीक है। मगर ये जो वेस सोप आप लोगे तो इसमें ग्लिसरीन मिक्स है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ मैं जो ऑयल यूज कर रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ विटामिन सी ऑयल। और ये मैंने घर पर ही बनाया, इसका भी वीडियो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। तो यहाँ मैं 1 स्पून ली हूँ विटामिन सी ऑयल, जो हमारे स्किन को फेयर करता है, क्लीन करता है। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो आप ले कोकोनट ऑयल ले सकते हो, बादाम रोगन ऑयल ले सकते हो, या जैतून का तेल जिसे कहते हो वो ले सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जो भी ऑयल आपकी स्किन को सूट करता हो उसको आपको लेना है 1 स्पून। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखिए जो हमने सोप को कट किए थे उसको एक छोटे से बाउल में डाल देती हूँ। अब इसको डबल बाउल में मेल्ट होने के लिए रखेंगे। ये देखिए तो मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में थोड़ा पानी डाला है, अब इसको मैंने इसमें रख लिया है। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, अब ये मेल्ट होगा। 3 मिनट लगेगा मेल्ट होने में। और इसके बाद आपको इसको स्पून से हिला देना है हल्का सा। और गैस को स्लो कर दोगे या बंद भी कर दोगे ना, जब पानी आपका गर्म हो जाएगा तो तभी ये मेल्ट हो जाएगा। हर टाइप के स्किन के लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपकी 14, 15, 16 साल है तो भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप मार्केट कितने महंगे केमिकल वाले सोप और फेस वाश यूज करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो घर का बना हुआ है यार। तो अब यहाँ पे देखिए मैं जिसमें इस सोप को जमाऊँगी वो मेरे पास एक केक का है, जिसमें मैं केक बनाती हूँ। छोटा सा कटोरी कह सकते हो, बाउल कह सकते हो। उसको ग्लीस कर लिया है ऑयल लगा करके अच्छे से।
और मतलब आपको ऑयल लगा के थोड़ा चिकना कर लेना, जिससे सोप जब हम निकालें तो आसानी से वो निकल जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए सोप भी मेल्ट हो चुका था, तो ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, फेस पैक बनाया था, वो फेस पैक ही है। इसको उसमें डाल के अच्छे से आपको मिक्स करना है, काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है, और इतना जल्दी जल्दी आपको मिक्स करना है ना कि ये जो सोप है जमे ना, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होगा वो जमना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरा जो ये बाउल है गर्म तो नहीं है, हाथ जल तो नहीं जाएगा, मगर ऐसा नहीं है, कोई भी गर्म नहीं था। अब यहाँ देखिए मैं अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ, और इसके बाद मैं दोनों बाउल में से डाल दूँगी। अगर आपके पास ये मतलब सोप को जमाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके पास कटोरियाँ होंगी घर में, उसमें आप इसको जमा सकते हो, या प्लास्टिक की जो क्रीम मतलब प्लास्टिक की जो डिबिया आती है क्रीम की, उसमें आप इसे जमा सकते हो। तो यहाँ देखिए मैंने कटोरी में भी लगा के दिखाया, और मैंने आपको अपने केक जिसमें मैं केक बनाती हूँ उसमें भी डाल के दिखाया है, और वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। मैं निकाल के भी आपको दिखाऊंगी। वैसे कटोरियों से काम चला लेना यार, कुछ भी नहीं है, घर में जो कटोरियाँ उसी से आप काम चला लीजिएगा। अब इसको आप बाहर रखोगी तो भी ये जम जाएगा, और फ्रिज में रखोगी तो भी जम जाएगा, मतलब 15-20 मिनट के बाद ये बाहर ही जम जाता है। तो मैं वैसे इसे फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, आपको मैं 15-20 मिनट के बाद दिखाती हूँ ये सोप हमारा कैसा बना है। और ये आप पूरे बॉडी पे लगा सकते हो, स्क्रब का भी काम करेगा, स्किन को टाइट भी करेगा, ब्राइट भी करेगा। तो चलिए 15-20 मिनट के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब ये देखिए मैं कितना अच्छा लग रहा है ना, अब इसे निकालूंगी और भी अच्छा लगेगा, और जब फेस पे लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए तो निकालने का तरीका क्या है, ये देखिए, ये इसमें बड़ी आसानी से निकल जाता है, क्योंकि इसमें केक हम लोग बनाते हैं तो ये आसानी से इसमें निकल जाता है। अगर इसको हम चिकना नहीं किए होते तो भी ये निकल जाता है। कटोरी वाला भी हम निकाल लेते हैं, उसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है कटोरी। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ना। तो इसके बाद मैं आप लोग के साथ कई सारे सोप शेयर करूँगी, आपके दाग धब्बों के लिए, दाने के लिए, पिंपल्स के लिए। तो ये देखिए हल्का सा मैंने इसको टच किया चक्कू से और ये निकल आया। आप इसे दिन में 2 बार भी अपने फेस पे लगा सकते हो, पूरे बॉडी पे लगा सकते हो, और आपकी स्किन बिल्कुल इतनी क्लीन हो जाएगी ना, और उस पर एक साइन सी एक चमक सी आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको अपने हाथों पर लगा के दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कैसा है। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो ये देखिए मैंने अपने हाथों को हल्का सा गीला किया, इसके बाद जैसे आप सोप यूज करते हो, फेस वाश यूज करते हो, वैसे ही करना, कुछ भी अलग आपको नहीं करना। तो हर चीज़ सबको सूट नहीं करती है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, तो हो सकता है आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो रही हो। एक बार के यूज से ही अगर आपको रेसेस हो रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, चकत्ते निकल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कभी ना यूज करो, चाहे वो मार्केट का ही हो चाहे घर का ही हो, क्योंकि वो आपको मना कर रहा है कि ये आपकी स्किन के लिए नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने अपने हाथों को अच्छे से धुल लिया है, और ये मैंने कल 1 मिनट किया था, 1 मिनट से भी कम। अगर आप इसको अच्छे से मसाज करोगे ना, तो आपकी स्किन पे और ज़्यादा साइन आने वाला है। ठीक है, और ये देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा, आपकी स्किन को सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो आपकी स्किन सॉफ्ट भी हो जाएगी, साइन भी करेगी, टाइट भी होगी। और वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, और अपना ध्यान ऐसे ही रखते रहिए। ओके, बाय बाय।